नमस्कार, मैं वैशाली। ये देखिए, आज मैंने बनाए हैं गणेश चतुर्थी स्पेशल सूजी और बेसन के लड्डू। और ये लड्डू आप देख ही सकते हो कितने बढ़िया दिख रहे हैं, और खाने में ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। घर में छोटे बड़े बच्चे सबको ये लड्डू बहुत ही पसंद आते हैं। तो इस गणेश चतुर्थी पे आप इस तरह से मेरी ये रेसिपी से ये लड्डू बना सकते हो। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ लड्डू तोड़ करके कि ये कितना सॉफ्ट बना है। बहुत ही आसानी से टूट गया, बिल्कुल भी ताकत नहीं लगी इसे तोड़ने में। ये देखिए, तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैंने ये सूजी बेसन के लड्डू बनाए हैं। देखिए, सूजी बेसन के लड्डू बनाने के लिए 3 से 4 चम्मच मैंने देसी घी डाल दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक वाली सूजी। ये देखिए, बारीक वाली ही सूजी ली है मैंने। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे मिक्सर में चला के बारीक भी कर सकते हो। और धीमी आँच पे हमें सूजी को भून लेना है, एक एक करके पहले भूनना है हमें। पहले सूजी को मैं भून ले रही हूँ, बाद में मैं बेसन को भूनूंगी। और आपको ये ध्यान रखना है कि लगातार चलाते भी रहना है, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो ठीक से भूने की नहीं सूजी, जल भी सकती है। तो बस धीमी आंच पे इस तरह से लगातार चलाते हुए भूनेंगे सूजी। तो ये देखिए, सूजी को मैंने लगातार चलाते हुए भूना है, और आप देख सकते हो कितना बढ़िया गोल्डन सा कलर आ चुका है। और लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो सूजी अच्छे से भून चुकी है। तो अब मैं सूजी को अलग बर्तन में निकाल दूंगी और इसी में अब बेसन भूनूंगी। तो मैं लड्डू बनाने के लिए बेसन भून लूंगी। तो जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी बारीक वाली, तो उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी बेसन लिया हुआ है। और मैंने 2 बड़ा चम्मच अभी इसमें घी डाल दिया है। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे घी डालेंगे। एकदम से मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें घी ना हो जाए। बस जितने जरूरत हो बेसन को भूनने के लिए उतना ही डालें, ये मतलब गीला हो जाए हमारा बेसन, बहुत ज़्यादा भी घी ना हो। तो ये देखिए, जैसे जैसे हम चलाएंगे घी गर्म होगा, मेल्ट होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें और घी अभी इसमें डालना है कि नहीं डालना है। तो बस इस तरह से चलाएंगे, देखिए अभी घी मेल्ट होगा तो पता चलेगा। तो ये देखिए, घी मैंने जितना डाला था बेसन में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हो सिर्फ मॉइस्चर आया है। तो अभी थोड़ा सा घी इसमें और लगेगा, तो मैं घी डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए, तो अभी मैंने 1 बड़ा चम्मच डाला है, और फिर से मिक्स करके देखूंगी। ये देखिए, और आप देख सकते हो अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है, क्योंकि जैसे ये बेसन भूनता है तो वो घी छोड़ने लगता है। तो अब मुझे ये परफेक्ट लग रहा है। अब मैं इसमें और नहीं डालूंगी, और इसे ही अब अच्छी तरह से भूनेंगे धीमी आंच पर, जब तक इसमें एक हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए। और जैसे बेसन भूनता है बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है, पूरे घर में बेसन की खुशबू बहुत ही अच्छी आने लगती है। तो बस इसी तरह से हमें भूनना है अब। तो ये देखिए, बेसन को भूनते हुए धीमी आंच पे लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हो कि बेसन का कलर कितना बढ़िया आ चुका है। ये देखिए, कितना बढ़िया गोल्डन सा कलर आ चुका है, और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हमने जो पहले सूजी भून के रखी थी वो हम इसमें मिक्स कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब गैस हम ऑफ कर देंगे, और कढ़ाई अभी जैसे गर्म है तो हमें थोड़ी थोड़ी देर में अभी चलाते रहना होगा कि ये नीचे से लग ना जाए, जल ना जाए। तो ये देखिए, सूजी बेसन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। आप देख सकते हो बढ़िया मिक्स हो चुके हैं, और कलर भी दोनों का सेम आ चुका है। तो अब मैंने ये देखिए, यहाँ बादाम और किशमिश मैंने कट करके रखे थे, वो भी इसमें मैं डाल देती हूँ। बादाम भी गर्म है जैसे बेसन और सूजी, तो उसमें भून जाएगा। ये देखिए, बढ़िया मिक्स करके रख दिया है। तो अब हम बनाते हैं चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैं 1 कटोरी चीनी डाल दी हूँ, क्योंकि हमने 1 कटोरी सूजी ली थी, 1 कटोरी बेसन, तो मैं उसका आधा चीनी डाल रही हूँ। चाहे तो आप मात्रा बढ़ा भी सकते हो अपने स्वाद अनुसार। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ उसी कटोरी से आधा कटोरी पानी, और गैस ऑन कर देंगे, और हम लगातार चलाएंगे। अभी जैसे चीनी मेल्ट हो जाएगी तो धीमी आंच पे हम चाशनी को पकाएंगे। जब तक ही पकाना है तब तक इसमें एक तार की चाशनी ना बन जाए। जैसे एक तार की चाशनी बन जाएगी तो हमें ये चाशनी जो हमने सूजी और बेसन भून करके रखा उसमें डालना है। तो ये देखिए, लड्डू के लिए चाशनी तैयार हो रही है, अच्छी तरह से ये पक रही है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी इलायची। तो मैंने 5 से 6 इलायची का पाउडर बना लिया है। और जब भी आप डालें इलायची तो फ्रेश डालें, फ्रेश इलायची डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए, इलायची जैसे मैंने डाली है बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो बस थोड़ी ही देर बाकी है, मैंने अगर आपको चेक करते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर में चेक भी करना है आपको। तो मैंने थोड़ी देर पहले प्लेट में निकाली थी एकदम बूंद, तो अभी ये नहीं हुई है, थोड़ी देर और बाकी है। ये देखिए, आपको पता भी चल जाएगा कि जैसे अभी नहीं बनी होती है तो इसके लगातार गिरती है ये, और जैसे तार इसमें बन जाता है तो इसकी ड्रॉप जो है धीरे धीरे गिरती है। तो अभी थोड़ी सी देर इसमें बाकी है। तो ये देखिए, थोड़ी देर मैंने चाशनी को और पका लिया है। तो मैंने एक बूंद निकाली थी,
और जैसे ये बूंद ठंडी हो गई तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए तार बनने लगा है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया तार दिख रहा है। तो अब हमें ये चाशनी को डाल देना है जो हमने सूजी और बेसन घोल के रखा है। तो एकदम से सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, ये देखिए, और मिक्स करेंगे। ये देखिए पहले आपको लगेगा कि ये काफी पतला है, लेकिन जो हमने सूजी और बेसन भून के रखा हुआ ये पूरी चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये देखिए इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, और अभी तो चाशनी काफी गर्म है तो थोड़ी देर हमें इसे रखना होगा। जब ये पूरी चाशनी पी लेगा, थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा, तो तब हम इसके लड्डू बनाएंगे। पूरी तरह से भी ठंडा नहीं करना है, इतना रखना है हमें कि जितना हम हाथों से गर्म सह सकते हैं वहां तक रखना है हमें। ये देखिए इस तरह से, ये आप देख सकते हो कि जैसे मैं गर्म चाशनी डाल रही हूँ तो ये कैसे ये मिश्रण पूरी तरह से चाशनी को एब्जॉर्ब करते जा रहा है। ये देखिए तो मैं ये चाशनी डाल दूंगी पूरी, ये देखिए डाल दी है मैंने चाशनी, और अच्छी तरह से मिक्स करके छोड़ देंगे हम लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। अभी जैसे ठंड का टाइम है तो ये जल्दी से ठंडा होगा, जैसे गर्म है, गर्मी का मौसम है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस आपको चेक करते रहना है और थोड़ी थोड़ी देर में मिक्स भी करते रहना है कि अच्छी तरह से हमारी जो ये चाशनी को एब्जॉर्व करते रहे ये मिश्रण। ये देखिए अभी जैसे कितना पतला दिख रहा है, थोड़ी देर में आप देखोगे कि बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाएगा ये लड्डू का मिश्रण। और जैसे हमने एक तार की चाशनी बनाई है तो लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही खाने में नरम लगते हैं, और जैसे उससे ज़्यादा अगर तार आ जाता है तो लड्डू कड़क हो जाते हैं। इसलिए जैसे ही एक तार बनने लगे बस आपको तभी गैस ऑफ करना है और चाशनी को मिश्रण में डाल देना है। तो ये देखिए लड्डू के मिश्रण में हमने चाशनी डाली थी, तो आप देख सकते हो कि अभी पूरी तरह से जम गई, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिए चाशनी, पर ये जो मिश्रण है अभी भी सॉफ्ट है, मतलब लड्डू बहुत ही हमारे नरम बनेंगे, क्योंकि ये देखिए बहुत ही आसानी से स्पैचुला से ये देखिए निकल गया है सारा मिश्रण। और आप देख सकते हो कि जब हमने चाशनी डाली थी तो कितना पतला हो गया था, तो ऐसा लगता है कि लड्डू नहीं बनेंगे, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया मिश्रण तैयार हुआ है। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ये देखिए, और ये अभी हल्का सा गुनगुना है, पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम ठंडा भी नहीं करना है। ये देखिए मिक्स कर लिया मैंने, और अब बनाते हैं लड्डू। तो ये देखिए लड्डू का मिश्रण हमारा परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो कोई लोग दो हाथों से लड्डू बनाते हैं, कोई एक हाथ से, तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से बना सकते हो। तो ये देखिए किशमिश और बादाम तो मैंने पहले ही डाल दिया था, ड्राई फ्रूट आप अपने मनपसंद जो भी चाहे ले सकते हो। तो ये देखिए लड्डू कितनी अच्छी तरह से बन रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से बन रहे हैं, ये देखिए। तो प्रेस करते हुए इस तरह से हमें लड्डू बना लेना है, और बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बनता है ये, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से लड्डू बन चुका है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया दिख रहा है। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही बढ़िया शेप आ चुका है। तो मैं इसे एक प्लेट में रख देती हूँ, ये देखिए। तो इसी तरह से मैं और लड्डू बनाती जाती हूँ, और लड्डू का साइज अब अपने पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े जैसे चाहे रख सकते हो। ये देखिए इस तरह से प्रेस करते हुए हमें लड्डू बना लेना है, और जो मैंने इसमें आपको हिसाब बताया, प्रमाण बताया है, उस हिसाब से आप बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट लड्डू, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेंगे। जैसे हमने एक कटोरी सूजी, एक कटोरी बेसन लिया था, मतलब 2 कटोरी हो गया था मिलके, और 1 कटोरी चीनी ली थी, तो जो उतनी जितनी मिठास होती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, ना बहुत ज़्यादा ना ज़्यादा होती है और ना ही कम होती है। ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू बन रहे हैं, ये देखिए परफेक्ट है बिल्कुल। तो इसी तरह से लड्डू बनाती जाऊंगी मैं। तो ये देखिए हमारे सूजी बेसन के लड्डू बनके बिल्कुल तैयार हो चुके, और आप देख सकते हो लड्डू कितने बढ़िया दिख रहे हैं। एक एक कटोरी मैंने सूजी बेसन लिया था तो लगभग 15 से 16 लड्डू बन चुके हैं। तो इस गणेश चतुर्थी पे आप इस तरह से लड्डू बना सकते हो, बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। तो आपको मैं लड्डू को तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितने बढ़िया, कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना सॉफ्ट लड्डू बना है, कोई भी इसे आराम से खा सकता है। ये देखिए घर में दादा दादी नाना नानी सब इसे आराम से खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी कड़क लड्डू नहीं होते हैं,
बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं खाने में, बहुत ही अच्छे मुलायम लगते हैं। तो आपको मेरी ये सूजी बेसन के लड्डू की रेसिपी कैसे लगी जरूर बताइएगा, और इस गणेश चतुर्थी पे आप इसे ट्राई भी जरूर कीजिएगा, और जब भी बनाएं तो बताना ना भूलें कि लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी।